हाँ डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर प्राम डी बी टीचर पोर्टल योर वेलकम। फाइलम एनिडा, थर्ड एनिमल मस्का डोमेस्टिका, द हाउस फिलाई। हाँ, फिलाई आर द इंसेक्ट बिलोंग टू द डाइप्टेरा ऑर्डर और इसका क्लास इंसेक्टा है। और यहाँ पर माउंट टाइप इसके स्पंजिंग या लेपिंग टाइप होते हैं। और यहाँ पर माउथ पार्ट स्पंजिंग या लेपिंग टाइप होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई स्पंजिंग का लेपिंग टाइप। एंटीना यहाँ पर पूछ सकता है, एंटीना कैसा होता है इस बिलाई का। एंटीना शर्ट होता है, शर्ट एंड कॉमन होता है। और यहाँ पर मैंकिन थ्रू आउट द बर्ड, यहाँ पर यह मानव का एक कीड़ा है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, पूरे विश्व में। इनके लिए द फ्रेश फ्लाइज, इसमें फ्रेश फ्लाइज, स्क्रूबाम फ्लाइज, बॉटल फ्लाइज, फिल्थ फ्लाइज, बिंगार फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज, विंगलेस फ्लाई। अमंग द वन ऑफ द फॉलोइंग वेरी फ्यू लैंड इंसेक्ट ऑफ द अमेरिकन अंटार्कटिका। इट मेजर अबाउट 10 से 15, यहाँ पर ये मेजर नहीं पूछता है ज़्यादातर। और यहाँ पर जो है मोस्ट फेम हाउस फ्लाइज कॉमन जीनस मस्का, थ्री स्पेसीज ऑफ द यहाँ पर मस्का डोमेस्टिका की मस्का, यहाँ पर जीनस है मस्का डोमेस्टिका और मस्का नेबुला, मस्का बीसिनिया आर वेल रिप्रेजेंट इन द इंडिया। सिस्टमेटिक पोजीशन देख लें इसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा है और यहाँ पर क्लास मैंडिबुले इंसेक्टा और ऑर्डर है डाइप्टेरा, ये चीज़ें ज़्यादा। और जीनस मस्का स्पेसीज डोमेस्टिका। हैबिटेट यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है, ज़्यादातर पाई जाती है कॉमन हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका वाइल्ड वन, डिस्ट्रीब्यूशन अबंडेंट इन मा अराउंड द हैबिटेशन ऑफ ह्यूमन, जहाँ पर मानव आवास में रहती है। फिल्टी एंड डर्टी प्लेसेस, गंदे और सूख प्लेस पर रहती है। इट इज एक्टिव इन्फेक्टिव एक्टिव, और यहाँ पर फ्राइली फ्लाई है जो फ्रीली फ्लाई करती है। वन प्लाट टू अनदर फीडिंग अपॉन द ह्यूमन रेबरिश एंड अदर डिस्कैंग ऑर्गेनिक मैटर। इट इज द डेंजरस हाउस ऑफ पेस्ट सर्वस द कैरियर मेरी डिसीज, कई बीमारियाँ जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है और कई डिसीज है, क्यूलेक्स कई डिसीज है जो ले जाता है, कैरी करता है। टाइफाइड मेन है और उसके बाद कॉलरा भी मेन है। वायरल बैक्टीरियल डिसीज कई कैरी करता है ये मस्का डोमेस्टिका। प्रोड्यूसिंग ऑरिजिन ऑन बॉडी सरफेस एंड हेयर फिलाई डायनर और दिनचर्या है। इट सो मच एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम एंड इट इज द सनलाइट नाइदर बाइट इट इन सनलाइट डे टाइम एंड सनलाइट डे टाइम सनलाइट में रहते हैं। नाइदर बाइट नॉट स्टिंग बट दे आर द प्रेजेंस ऑफ बीकम, ना तो ये काटती है ना तो चेपती है, तो यहाँ पर इंटॉलरेंस होती है। कंप्योर पर्सन फेयरफुल इंस यहाँ पर इनवेसिबल इन इमेज अधेर ओन इट, तो यहाँ पर जो इन इमेज हैं जो अधेर होते हैं इसके पैर में इनसेबल इन इमेज इसमें पाए जाते हैं जिससे ये कैरी करती है डिसीज। विद द हेल्प ऑफ द स्पंजिन टाइप ऑफ द माउथ पार्ट, क्वेश्चन बन सकता है कि माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई स्पंजिन टाइप। स्पंजिन टाइप या फिर लेपिंग या लेपिंग टाइप भी बताया था, लेपिंग टाइप स्पंजिंग या लेपिंग टाइप बताया था यहाँ पर शुरू में, स्पंजिन या लेपिंग टाइप, ये स्पंजिन या लेपिंग टाइप या साइफोनिक टाइप। साइफोनिक टाइप मोस्टली मस्का में और बटरफ्लाई में पाया जाता है। माउथ पार्ट इसका कैसा है, माउथ पार्ट है इसका यहाँ पर साइफोन स्पंजिंग टाइप। इट हैव ऑफ द स्पंजिंग टाइप या लेपिंग या फिर साइफोन लेपिंग या फिर स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट। इट फ्लाई लाइक अ फूड, फूड को लिक्विड करके यहाँ पर इंटेक करती है। इट फीड वेरी फ्रेस्टली और अप्रोक्सीमेट वेरी 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बाद बार यहाँ पर यह भोजन इंटेक करती है अंतराल पर। इट इज़ वेरी सेंसिटिव होती है लीव्स एंड रेटिंग फीडिंग स्पॉट ऑन द मेयर साइट साउंड एनी ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग, वेरी सेंसिटिव होती है फीडिंग स्पॉट जहाँ पर भोजन मिलता है इसे ऑन द मेयर केवल साइट आर द साउंड एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर साइट या फिर साउंड यहाँ पर से दोनों से पहचान लेता है ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाती है।
और इट इज ऑल्सो हैबिटेट ऑफ पासिंग आउट फीसल मैटर फ्रिक्वेंसली, गंदे पदार्थ को जो फीसल मैटर कहते हैं मलमूत्र उस पर पाई जाती है। फीसल मैटर कंटेन ऑफ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट डेवलपमेंट अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसके यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस पूछ सकता है हाउ मैनी डेवलपमेंट ऑफ हाउस फ्लाई, तो कंप्लीट होगा। कंप्लीट में क्या होता है, इसमें एग लार्वा और प्यूपा अडल्ट पाया जाता है, उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन, ऐसे भी पूछ सकता है कि अब बीच एनिमल है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ पर सिल्क वाम और हनी बी और मस्क्यूटो और काक्रोच व मस्क्यूटो हाउस फ्लाई। शेप और साइज यहाँ पर नहीं पूछता है फिलहाल, शेप और साइज छोड़ दें। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसका हाउस फ्लाई का, ये देख लें, हेड है यहाँ पर, ये टू कंपाउंड आई है, ये एंटीना है, टू एंटीना है, कंपाउंड आई है, ये दोनों दो और तीन ओसीली हैं, ओसीली जो है तीन, ये डॉट तरीके दिखा रहे हैं, ओसीली है, टू कंपाउंड आई है। यहाँ पर थ्री पेयर अपेंडेज है, एक दो तीन और एक दो तीन, थ्री पेयर जॉइंटेड अपेंडेज मेन करेक्टर है आर्थ्रोपोड का। ये यहाँ पर ओरोथोरिक्स पर, मीजोथोरिक्स पर पाए जाते हैं विंग्स, और जिसे टेगुना भी कहते हैं, और जो मेजोथोरिक्स पर हल्टर पाए जाते हैं मेटाथोरिक्स पर, जिसे हल्टर कहते हैं, रिड्यूस विंग्स या फिर हल्टर, ये हल्टर्स हैं, ये क्लाउस हैं, ये टॉर्सर्स पल्बिनस, और यहाँ पर ये हैंड विंग, ये एब्डोमेन है, ये सेगमेंट है बॉडी, तो हैंड विंग को हल्टर कहते हैं जो कि पाए जाते हैं मेटाथोरिक्स पे, मेजोथोरिक्स पर पाए जाते हैं यहाँ पर फोर विंग्स। कंपाउंड आई हेड है, सारे डिस्क्रिप्शन हो चुका है फिलहाल। डॉर्सल साइड दिखाई गई है, बॉडी इज डिस्टिंक्ट इन सेगमेंटेड एंड डिसाइवल इन टू द थ्री रीजन्स, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, थ्री रीजन बटी होती है। और हेड पर क्या क्या पाया जाता है, हेड में एंटीना पाया जाता है, एंटीना पर टू और शर्ट फ्लेक्सिबल हाईली सेंसिटिव टेक्सचर होता है एंटीना, तो एंटीना पाए जाते हैं जो कि हेड जो कि क्लोज मीडियन और कंप्रेसिव फ्रंटल एथेरोस्टल पेयर पर द फ्रंट एंड एंटीना में थ्री जॉइंट होते हैं जो कि मेड होते हैं स्मॉल, थ्री जॉइंट होते हैं एंटीना में, जिसमें यहाँ पर बेसल पहला बेसल जॉइंट है, दूसरा यहाँ पर होगा बेसल को स्केप कहते हैं मिडल पेडिसेल, और लार्ज डिस्टल को कहते हैं फ्लैजलम। टू बेसल यहाँ पर जो प्रोबोसिस है, इसमें यहाँ पर थ्री जॉइंटेड प्रोबोसिस होती है, जैसे अरिस्टा कहते हैं प्रोबोसिस है वो थ्री जॉइंटेड होती है, अरिस्टा कहते हैं। टू बेसल सेगमेंट पाए जाते हैं इसमें टू प्रोबोसिस में टू बेसल सेगमेंट पाए जाते हैं, जिसे अरिस्टा कहते हैं, अरिस्टा यार इस्तेमाल होते हैं। वाइल द लार्ज डिस्टल सेगमेंट यहाँ पर बेयर टू अलोंग हेयर, यहाँ पर जो टू बेसल सेगमेंट होते हैं जिसमें टू बेसल सेगमेंट होते हैं, इसमें यहाँ पर डिस्टल सेगमेंट टू बेयर सीरीज में होते हैं, और स्पाइनुला या फिर हेयर होते हैं यहाँ पर। और एंटीना सर्वस क्वेश्चन बन सकता है, एंटीना हाउसफ्लाई सर्वस कैमोरिसेप्टर, एंटीना हाउसफ्लाई सर्वस कैमोरिसेप्टर या फिर रियो रिसेप्टर। और हेड पर कंपाउंड आई पाई जाती हैं, दीज आर टू लार्ज फोरमिनेटेड स्फेरिकल ब्लैक होती हैं, प्रेजेंटली डॉर्सल वेंट्री ऑन द हेड, ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ लगभग 4000 ओमिटिडिया पाए जाते हैं, जिसे विजुअल यूनिट कहते हैं या फिर ओमिटिडिया विजुअल यूनिट कितनी होती हैं, अबाउट 4000 यानी 4000। दे आर अडेप्टेड फॉर डायगोनल, यहाँ पर दिन में देखने के लिए उत्तर और अनुकूलित होती हैं। ओसीली है, यहाँ पर थ्री ओसीली पाई जाती हैं, मिड डॉर्सली पर हेड पर थ्री ओसीली पाए जाते हैं, सेंसिटिव स्पॉट होते हैं ओसीली, और सेंसरी ऑर्गन की तार कार करते हैं, थ्री होती हैं त्रिभुज की तरह होती हैं, थ्री जैसे ट्राइंगुलर कहते हैं इस तरह के। माउथ पार्ट भी हेड पर पाया दी जाए, स्पंजिन टाइप माउथ पार्ट स्पंजिन टाइप होते हैं, अडेप्टेड ओनली द सक लिक्विड फूड,
एंड नॉट डू नॉट पाइसर टिशू, यहाँ पर केवल ये माउथ पार्ट है। देखिए लिक्विड भोजन को ऑब्जर्व कर सकती है, इस टिशू को नहीं काट नहीं सकती टिशू को। दे आर कंप्राइज फ्लेसी, इस यहाँ पर ये फ्लेसी होते हैं। रेक्टाइल प्रोबोसिस पाई जाती है जो कि बनी होती है लेवेलम, लवेलम की बनी होती है प्रोबोसिस, जिसे लवेलम में थ्री पार्ट पाए जाते हैं। लवेलम प्रोबोसिस लवेलम की बनी होती है, लवेलम बना होता है थ्री भाग का, प्रोबोसिस लवेलम की बनी होती है और लवेलम बना होता है तीन भाग का। कौन कौन सा? पहला है रोस्टेम, होस्टेलम और दूसरा लवेलम। प्रोबोसिस बनी होती है लेबियम की, और लेबियम तो थ्री स्ट्रक्चर का बना होता है। कौन कौन सा होता है? होस्टेलम, पहला रोस्टेलम, फिर होस्टेलम, फिर लवेलम या फिर डोरल डिस्क। लवेलम को ओरल डिस्क कहते हैं। पहला कौन सा है? पहला यहाँ पर रोस्टेलम, होस्टेलम, फिर लवेलम। थ्री स्ट्रक्चर की बनी होती है लेबियम और लवियम। प्रोबोसिस बनी होती है लेबियम की, प्रोबोसिस लेबियम की बनी होती है, और लेबियम बना होता है थ्री स्ट्रक्चर का। रोस्टेलम, होस्टेलम और लवेलम या ओरल डिस्क। ड्यू टू द मूवेबल ज्वाइंट इन बिटवीन द होस्टेलम कैन फोल्ड बैक व्हेन द होस्टेलम लेवेलम रिजिनेटेड द होस्टेलम एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। होस्टेलम कैरी आउट जेंटली लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, इट कंटिन्यू टू स्टाइल्स अपर लेवेलम हाइपोपरिनिक्स एंड लोअर इज ब्लेड लाइक हाइपोपरिनिक्स। पूछ सकता है जो प्रोबोसिस है वो कितने सेगमेंट की बनी होती है, तो थ्री सेगमेंट की बनी होती है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? रोस्टेलम पहला, प्रोबोसिस बनी होती है लेबियम की, और लेबियम बना होता है थ्री सेगमेंट पर। रोस्टेलम, होस्टेलम, लवेलम। मैंडिबल इसमें नहीं पाई जाती। हो सकता है मैंडिबल आर नॉट फाउंड इन तो हाउस फ्लाई। फर्स्ट मैगिली है वो, फर्स्ट मैगिली रिप्रेजेंट इन हाउस फ्लाई, फर्स्ट मैगिली क्वेश्चन ये बन सकता है। इन हाउस फ्लाई फर्स्ट मैगिली रिप्रेजेंट बाई, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर अनइन्वाइटेड मैगिली पर्व के द्वारा। जो कि बोर्न होता है रोटेलम पर। हो सकता है जो फर्स्ट मैगिली है वो रिप्रेजेंट होती है मैगिली पर्व के द्वारा। वो कहाँ पर उत्पन्न होती, कहाँ से अराइज फ्रॉम, तो रोस्टेलम से। लवेलम इज मेड अप, तो यहाँ पर लवेलम जो है बना होता है ओवल, ओरल ओवल, ओरल लब्स विच ट्रांसवर्ड बाई नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स या चैनल्स कॉल्ड सीडोट्रेकिया। तो क्वेश्चन बन सकता है सीडोट्रेकिया इज मेड बाई तो ओरल लब्स, ट्रांसवर्ड ओरल लब्स। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ट्रांसवर्ज ओवल लब्स के द्वारा बनी होती है वो होती है यहाँ पर ट्रेकिया। ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है ट्रेकिया इज फॉर्म्ड बाई, दोनों तरीके से बना होता है ट्रेकिया इज फॉर्म्ड बाई, तो यहाँ पर ओवल लब्स। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है ओवल लब्स फॉर्म्ड ट्रेकिया, सीरो ट्रेकिया। बीका दी रिसेंबल टू ट्रेकी, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेकिया की तरह होती है, सीरो ट्रेकिया जो चैनल होते हैं गुरु चैनल होते हैं, जिसे ग्रुप्स और चैनल्स होते हैं ओरल और नेटवर्क के, वो यहाँ पर सूडो ट्रेकिया की समान होती हैं, ट्रेकिया की समान होते हैं, इसलिए सूडो ट्रेकिया को कहते हैं सूडो ट्रेकिया। क्वेश्चन ये बन सकता है सूडो ट्रेकिया मेड बाई फाइन ग्रुप्स या फिर और चैनल्स, फाइन फाइन नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फाइन ग्रुप्स या फिर नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ऑल सीडोट्रेकिया हैड सेंट्रली लोकेटेड माउथ पोर्चर, और जो है बता रहा है कि सीडोट्रेकिया, पूछ सकता है कि सीडोट्रेकिया कहाँ पर जाती है, तो माउथ पोर्चर पर। लोअर टिप ऑफ फूड कैन बी अप्लाइड माउथ पोर्चर, जो लोअर टिप है फूड का वो यहाँ पर, लोअर टिप ऑफ फूड चैनल कैन अप्लाइड, जो लोअर टिप है फूड का वो अप्लाइड होता रहता है यहाँ पर, अप्लाई टू माउथ पर्चेस। माउथ पर्चेस में अप्लाई जो लोअर टिप होए सीडोट्रेकिया का वो यूज किया जा सकता है माउथ पर्चेस में। सो दैट लक्विड फूड कलेक्टेड बाई सीडोट्रेकिया, जिससे यहाँ पर लक्विड फूड है वो सीडिया के द्वारा उठाया इकट्ठा कर सके, एंड बी सकेड अप बाई, और सब यहाँ पर चूसा जा सके।
सर्किट बाई द पंपिंग ऑफ एक्शन ऑफ पेरिनिक्स, जिससे यहाँ पर पेरिनिक्स के द्वारा पंपिंग द्वारा अंदर शक किया जा सके। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जी लक्यूड फूड इज कलेक्टेड बाई इन हाउस फ्लाई लक्यूड फूड, ये क्वेश्चन बन सकता है इन हाउस फ्लाई लक्यूड फूड कलेक्टेड बाई, तो वो यहाँ पर सी टू ट्रैक किया आंसर होगा सी टू ट्रैक। ओरल लव्स आर प्रोवाइड ऑन द सरफेस विद इन माइंड थी तला के टेक्चर फॉर ब्रेकिंग अप तो सॉलिड एंड विद सेंसर आर्गन। तो यहाँ पर जो माइनट तीतला क्वेश्चन ही बन सकता है जो सॉलिड फूड मटेरियल है ब्रेक बाई इन हाउस बिलाई सॉलिड फूड मटेरियल ब्रेकिंग बाई तीतला की टेक्चर ब्रेकिंग बाई तीतला की टेक्चर विद सेंसर आर्गन, जिसमें सेंसर आर्गन भी पाए जाते हैं। सॉलिड फूड मटेरियल इन हाउस बिलाई ब्रेकन बाई तीतला की टेक्चर। तीतलाई टेक्चर सर्व फॉर पूछ सकता है तीतलाई टेक्चर सर्व फॉर या एक्ट फंक्शन ऑफ तीतलाई टेक्चर, तो यहाँ पर होगा ब्रेकिंग अप सॉलिड फूड और फिर एग्जामाइन टेस्ट एंड स्मेल। यहाँ पर फीडिंग वेरी क्विकली होता है हाउस फ्लाई में, ड्यूरिंग फीडिंग प्रोबोस इज एक्सटेंडेड टू एंड ओरल लॉब्स ऑफ लवेला प्लेस अकाउंट लक्यूड फूड तक पहुँचा देता है और इट फूड मटेरियल इज सॉलिड एंड शुगर कलेक्टेड फ्लाई। इसके यहाँ पर अगर सॉलिड फूड मटेरियल हो तो फ्लाई क्या करती है, फ्लाई फर्स्ट और इट लिटल सलीबा अपनी लिटिल थोड़ी सी सलीबा निकालती है या फिर रेगुलेट करती है, ड्रॉप ऑन द फूड पर डालती है कुछ बूंदें उसकी, फिर ऑन द क्रॉप से अपनी क्रॉप से लकी लक्यूफाई देन द शक, इसके बाद लकीड भोजन है वो शक करती है बाई ट्यूबुलर सीरोट्रकिया के द्वारा। तो जब यहाँ पर सॉलिड भोजन पर जाए तो क्वेश्चन ये बन सकता है लक्यूड एनिमल दैट हैज क्रिस्टल फूड टेकिंग आफ्टर लकीफाइड तो यहाँ पर होगा हाउस फ्लाई। और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि जो सॉलिड फूड मटेरियल इन हाउस फ्लाई टेकिंग लकी एंड कलेक्ट बाई टेकिंग यहाँ पर लक्यूड लकीफाइंग बिफोर इंटेकिंग एंड कलेक्ट बाई ट्रकिया, यहाँ पर लकीफाई और इंटेक किया जाता है ट्रकिया के द्वारा बिफोर द इंटेक फूड सॉलिड फूड मटेरियल लकीफाई एंड इंटेक बाई फीड ट्रकिया ऑफ हाउस फ्लाई। सीड ट्रकिया कैसी होती है, यहाँ पर ओरल ग्रुप या फिर ओरल चैनल होता है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ नेटवर्क था जो कि या फिर ग्रुप ऑफ चैनल्स जो सीरोट्रकिया बनाता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है सॉलिड मटेरियल हाउस फ्लाई टेकिंग बाई फर्स्ट लिक्विड एंड बाय देन सक बाई सीरोट्रकिया, और सॉलिड फूड मटेरियल या फिर लक्यूफाइड मटेरियल्स कलेक्ट बाई सीरोट्रकिया। तो अभी यहाँ पर इन हाउस फ्लाई सॉलिड फूड मटेरियल लक्विड बाई सीरोट्रकिया इन हाउस फ्लाई सॉलिड फूड मटेरियल कलेक्ट बाई हाउस, तो अभी यहाँ पर सीरोट्रकिया ही आएगा, कलेक्ट भी करेगा सीरोट्रकिया और लक्यू भी करेगा लक्यूफाइड भी। बैन फूड राइज या फूड चैनल, जब यहाँ पर फूड है वो चैनल में पहुँच जाता है फूड चैनल में, शक होता है बाय द मस्कुलर पेरिनिक्स द्वारा शक होता है। यहाँ पर फ्लाई अट्रैक्ट बाई ऑर्डर एंड अमोनिया फार्मेनेटिक सबेंटेड, फ्लाई अट्रैक्ट होती है महक से, किसकी, अमोनिया की महक से और फार्मेंटेटन सबेंटेड से अट्रैक्ट होती। थोरेक्स ही डिस्टिंग्विश सेगमेंटेड एंड पेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ विंग्स, थोरेक्स में क्या क्या पाया जाता है, 3 पेयर यहाँ पर लेंग्स पाए जाते हैं और विंग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर विंग्स पाए जाते हैं और 3 पेयर से क्या पाए जाते हैं लेंग्स, 1 पेयर विंग्स पाए जाते हैं और 3 पेयर लेंग्स पाए जाते हैं।
जो कि बेंटल में पाए जाते हैं और डोर्सल में विंग पाए जाते हैं। विंग्स यहाँ पर किस तरह के होते हैं, फोर लिंग्स विंग्स होते हैं। फोर लिंग्स विंग्स हैं जिसमें हेयर और वेंस पाई जाती है जो कि इस फिज में होते हैं, और जबकि हाइंड विंग्स हैं वो यहाँ पर ग्रेटी रिस्यूट होते हैं जिसे हल्टर कहते हैं। दीज आर कैरी सेंस आर्गन, यहाँ पर ये जो हल्टर हैं वो कैरी सेंस आर्गन की तरह कार्य करते हैं। क्वेश्चन मिल सकता है हल्टर ऑफ हाउस फ्लाई सर्वस बैलेंसिंग आर्गन एंड बैलेंसिंग आर्गन सर्वस बैलेंसिंग आर्गन एंड सेंसारी आर्गन सर्वस बैलेंसिंग आर्गन एंड सेंस आर्गन दोनों यहाँ पर काम कर सकते हैं, जो रिड्यूस विंग हैं या हल्टर हैं, हल्टर हैं हाउस फ्लाई के दोनों काम करते हैं बैलेंसिंग आर्गन और सेंस आर्गन की तरह। पूछ सकता है डूरिंग फ्लाइट डूरिंग द फ्लाइंग हाउस फ्लाई ड्यूरिंग द फ्लाई ड्यूरिंग द फ्लाइंग हाउस फ्लाई इमिट बजिंग साउंड बाई, तो क्वेश्चन हो सकता है डूरिंग द फ्लाई ड्यूरिंग द फ्लाई या हाउस फ्लाई बजिंग साउंड प्रोड्यूस बाई, तो यहाँ पर होगा अल्टर्स अल्टर्स ड्यूरिंग द इमिट बल्जिंग साउंड ड्यूरिंग फ्लाइट प्रोड्यूस बाई हल्टर्स या हाइंड विंग्स। ये टेक्चर है यहाँ पर जो कि ट्रायंगुलर यहाँ पर बताया था, ट्रायंगुलर ये ओसेली है, कंपाउंड आई है दोनों तरह, ये भी ये बटेट्स है कंपाउंड आई ओसेली के पीछे का टेक्चर बिहाइंड एंड बिटवीन ऑफ आई कंपाउंड आई, ये टेक्चर बिटवीन बिहाइंड एंड बिटवीन ऑफ बिटवीन बिहाइंड ऑफ ट्राई ट्राई एंगल यहाँ पर बिटवीन ऑफ ओसेली एंड बिहाइंड ऑफ ओसेली एंड बिटवीन ऑफ आईज ए टेक्चर, तो क्वेश्चन होता है वर्टेक्स एंटीना है यहाँ पर, ये दोनों एंटीनी है यहाँ पर, तो एंटीना है एस्टिया है ये क्लेवी फ्लेक्स है ये एब्डोमिन है और यहाँ पर फ्रॉन्स है ये फ्रॉन्स है, इसके बाद यहाँ पर ये जेना है ये फ्रांस से आगे क्लेवी पे होता है बिटवीन और बिहाइंड होता है आई के बिटवीन और बिहाइंड आकृति में बनता है क्वेश्चन आई के बिटवीन और बिहाइंड। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये रोस्टेलम है, यहाँ पे हार्टेलिया है, ये यहाँ पर लवेलम है, ये तीनों स्ट्रक्चर बनते हैं किसके, तीनों स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर प्रोबोसिस के प्रोबोसिस। ये दोनों सेब के बीज की तरह ट्रेकिया है, फिटो ट्रेकिया, ये माउथ पोर है, डिस्टल स्क्लेरिट है। फ्लाई कैन वेरी फास्ट विद द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन ये लगता है पर सेकेंड फ्लाई बीट और हाउ मैनी बीट पर सेकेंड फ्लाई, तो 200 पर बीट। लेंग्स आर द क्विकली कवर्ड विद द लेंग्स आर द क्विकली कवर्ड विद हेयर्स, लेंग्स है यहाँ पर लेंग्स जो हैं हेयर पाए जाते हैं थिकली कवर्ड विद हेयर्स एंड ईच कंसिस्ट ऑफ, इसका भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाता हुआ सी टी सी टी एफ टी टी सी एफ टी टी पी पी सी टी, यहाँ पर इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं कितने हैं सेगमेंट, 5 सेगमेंट। सी टी क्या क्या था, सी टी एफ टी टी पी पी सी पी, ये क्रम प्रारंभी भी था। काक्रोच में भी था यह क्रम, जो टर्मिनेटर क्लाव है वो कट भी थे ग्लैंडुलर पैड्स काल द पेल्विनी, यहाँ पर जो 5 जॉइंटेड टार्सस है टार्सस 5 जॉइंटेड है, बाकी ये सब कोक्जा ट्रकेंटर और फीमर टिबिया ये सब अलग हैं मगर 5 जॉइंटेड टार्सस है।
टारसप करिए टारसप, और पल्विनस क्लाउस, और यहाँ पर टारसप प्रेटारसस टेकिन, और यहाँ पर टारसस प्रेटारसस, और उसके बाद क्लाउस पल्विनन पल्विनस, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पांच स्ट्रक्चर पाए जाते हैं टारसप में। यहाँ पर ये फाउथ फिला, ये क्लाइंबिंग यहाँ पर स्मूथ सरफेस आर बाकिंग इजिली ऑन द सीलिंग्स, अबडोमन इज आल्सो कवर्ड विथ फाइन हेयर कंपाइज, जो अबडोमन है यहाँ पर वो यहाँ पर कबड़ों में कवर होता है, एट सेगमेंट में अबडोमन में एक सेगमेंट पाए जाते हैं, और लेंग्स में कितने सेगमेंट पाए गए थे, लेंग्स में यहाँ पर फाइव सेगमेंट पाए गए थे, लेंग्स में यहाँ पर फाइव हैं, और जिसमें कोगजा को छोड़कर कोगजा और ट्रेकेंटर फीमर को जोड़ दें तो यहाँ पर नाइन हो जाएंगे, और लेंग्स में कितने यहाँ पर नाइन है, एब्डोमेन में एट सेगमेंट है, एब्डोमेन में एक सेगमेंट है। तो इन मेल इन फीमेल, जो मेल में यहाँ पर कंप्राइज एट सेगमेंट मेल में पाए जाते हैं, नाइन सेगमेंट पाए जाते हैं फीमेल में। छः से नाइन तक सेगमेंट है वो टेलीकॉप्ड इनटू द फाइव सेगमेंट, छः से जो नाइन है वो यहाँ पर टेली स्कोप्ड या फिर फिफ्थ सेगमेंट बोले जाते हैं। लार्ट फोर सेगमेंट फॉर्म द जेनिटेलिया पाउच, लार्ट फोर सेगमेंट है जेनिटेलिया पाउच में पाया जाता है। अदर से एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन थी मेल नाइन्थ, तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो एक्सेसरी अदर पाउच जेनिटल पाउच है, वो अदर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है नाइन्थ सेगमेंट मेल रिप्रेजेंटेड केयर पर एंड अडेस पर। तो मेल में आठ सेगमेंट पाए जाते हैं, फीमेल में यहाँ पर नाइन पाए जाते हैं। जो नाइन सेगमेंट है छः से नाइन तक पाए जाते हैं, छः से नाइन सेगमेंट टेलकोथ वो होते हैं, और तो फाइव सेगमेंट में बटे होते हैं छः से नाइन। लार्ट जो फोर सेगमेंट हैं वो जेनिटल पाउच बोले जाते हैं, हो सकता है जेनिटल पाउच और हाउथ प्लाई फाउंडेशन लास्ट फोर सेगमेंट, हो सकता है हाउथ प्लाई मैनी सेगमेंट फीमेल हाउथ प्लाई है हाउ मैनी सेगमेंट एट नाइन सेगमेंट, हो सकता है हाउ मैनी सेगमेंट फाउंड इन द मेल फिलाई तो एट सेगमेंट। हो सकता है रिप्रोडक्टिव आर्गन फाउंड विद सेगमेंट ऑफ हाउथ प्लाई तो यहाँ पर होगा फोर्थ सेगमेंट, नाइन सेगमेंट इन मेल रिप्रेजेंट वाइज, तो जो नाइन सेगमेंट है मेल में वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होते, नाइन सेगमेंट इन मेल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ क्लैस्पर विद द एडिगेसेस बिटवीन देम, नाइन सेगमेंट इन मेल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ द क्लैस्पर विद एरेगियस बिटवीन देम, तो नाइन सेगमेंट है मेल में जो प्रेजेंट करते हैं ये पेयर क्लेस्पर। पूछता है कि हाउ क्लेस्पर आज फाउंड इन, तो यहाँ पर क्लेस्पर जो है नाइन्थ सेगमेंट पर पाया जाता है मेल में, हो सकता है क्लेस्पर इन फाउंड नाइन्थ सेगमेंट इन आप क्लेस्पर, नाइन्थ सेगमेंट आप क्लेस्पर फाउंड इन मेल, क्लेस्पर को यहाँ पर कहते हैं क्लेस्पर पाया जाता है, एडिगस कहते हैं क्लेस्पर को, नाइन सेगमेंट पर क्लेस्पर पाया जाता है विथ एडिगियस जिसे पैनिक बोलते हैं, बिटवीन टेम यहाँ पर नाइन क्लेस्पर, नाइन सेगमेंट इन मेल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ क्लेस्पर विथ एडिगियस एडिगस या पैनिस और बिटवीन देम इनके बीच में पाया जाता है क्लेस्पर और एडिगोस के बीच में नाइन सेगमेंट जिसमें पैनिस होता है, टेंथ सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस फ्यूज्ड, टेंथ सेगमेंट है बोथ सेक्सेस फ्यूज होते हैं दोनों सेक्स एंड रिप्रेजेंट बाय पेयर ऑफ एनल सर्जरी, टेंथ पेयर में दोनों में यहाँ पर एनल सर्जरी सरकी पाई जाती है, तो दसवां सेगमेंट है उसमें यहाँ पर एनल सरकी पाई जाती है दोनों में पाई जाती है एनल सरकी। इन फीमेल
लार्ट फोर सेगमेंट फॉर्म द पेकुलर एंड ट्यूबुलर रेक्टाइल ओवी पोजिटर। जो फीमेल है जिसमें यहाँ पर लार्ट फोर सेगमेंट हैं वो यहाँ पर पेकुलर एंड ओवी ट्यूबुलर रेक्टाइल ओवी पोजिटर पाया जाता है। पूछ सकता है हाउ मैनी सेगमेंट फाउंड इन ओवी पोजिटर ऑफ फीमेल, तो यहाँ पर लार्ट फोर सेगमेंट और लार्ट फोर सेगमेंट जो है जेनाइटल पाउच थे। तो लार्ट फोर सेगमेंट में यहाँ पर मेल में भी पाए जाते हैं, लार्ट फोर सेगमेंट मेल में भी पाए गए और फीमेल भी पाए गए थे। फीमेल भी पाए गए थे लार्ट फोर सेगमेंट और मेल भी पाए गए थे। नाइन सेगमेंट पर पाया गया था एग्रेक्यूस, और जिसे पैनिथ्री कहते हैं एग्रेक्यूस को। फोर सेगमेंट जो है लार्ट फोर सेगमेंट ऑफ फीमेल पेकुलर एंड ट्यूबुलर रेक्टाइल ओवी पॉजिटिव पाया जाता है। During the copulation, ovipositor is inserted into the genital pouch of male, जो कि नाइन सेगमेंट पाया जाता है genital pouch of the male and receive sperm later, ovipositor help in the lying egg. तो यहाँ पर जो मेल में पाए जाते हैं एब्डोमेनल सेगमेंट मेल में पाए जाते हैं 8, फीमेल पाए जाते हैं 9, और यहाँ पर जो 6 से 9 सेगमेंट हैं वो से टीलोकोप्ड या फिर 5 सेगमेंट में पाए जाते हैं, और जो लार्ट जो 4 सेगमेंट हैं वो जेनाइटल फॉर्म होते हैं। लार्ट 4 सेगमेंट में जेनाइटल पाउच पाए जाते हैं जो कि एक्सेसरी एंड अदर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं मेल में। लार्ट 4 सेगमेंट हैं वो यहाँ पर पाउच जेनेटल पाउच पाए जाते हैं और एक्सेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं मेल सेगमेंट में। लार्ट फोर सेगमेंट में एक्सेसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं मेल में और जेनेटल पावर पाए जाते हैं। तो जो नाइन्थवा सेगमेंट है मेल में वो यहाँ पर एक क्लेयर पर पाया जाता है, और उसी क्लेयर के साथ एडिकेस पाया जाता है एडिगोस को पेनिस भी कहते हैं, और जो कि यहाँ पर पाया जाता है देम उनके बीच 9 और 10 सेगमेंट में वो बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है क्लेस पर विथ एडिक्यूस फाउंड इन, तो क्लेस पर विथ एडिक्यूट फाउंड इन टेंट सेगमेंट बिटवीन टेंट सेगमेंट टेंट और नाइन सेगमेंट बिटवीन क्लेस्पर एंड एडेक्यूज फाउंड बिटवीन इन हाउस फ्लाई मेल 9th and 10th सेगमेंट। फोर्थ सेक्सेस रिमेन फ्यूज एंड रिप्रेजेंट बाई ए एनल सर्की इन मेल लास्ट फोर। जो इन फीमेल में भी ऐसा ही होता है, फीमेल भी लास्ट फोर सेगमेंट होता है जो कि पेकुलर ट्यूबुलर ओवी रिएक्टर होते हैं। उसमें लार्ट फोर सेगमेंट में ओवी रेक्टर पर ओवी पॉजिटिव पाया जाता है, और मेल में लार्ट फोर सेगमेंट में क्लेयर्स पर और आडे की वो गियर्स पाया जाता है, जो कि डोरिंग कॉपुलेशन जो है ओवी पॉजिटिव फीमेल में ओवी पॉजिटिव है इंसर्ट होता है इनटू द जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल ऑफ मेल रिसीव द स्पर्म लेटर ओवी पॉजिटिव हेल्प इन द लाइंग एग। तो पूछ सकता है ओवी पॉजिटिव हेल्प इन तो लाइंग एग एंड रिसीव स्पर्म राम मेल एक्टर जने। यहाँ पर एनाटॉमी है, बॉडी ये हीमोसील होती है, इसमें बॉडी कैविटी में हीमोसील पाया ही जाता है क्योंकि आर्थ्रोपोडा में बॉडी कैविटी हीमोसील टाइप होती है। मसल्स जो कि परफॉर्म्ड हीमोसील रिसोर्ट होती है और बेल डेवलप्ड होती है। फ्लाइट मसल्स फ्लाइंग मैकेनिज्म यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग एंड कॉइल्ड होती है। पेनिक्स इसोफेगस क्रैब गिजार्ड स्टोमच और मिडगट एंड रेक्टम ये सारे क्रम पाए जाते हैं पेरिनिस के। और टू स्मॉल सेलेबली ग्लैंड सेलीवा फूड पर यहाँ पर हाइड्रोलाइज करती है टाच को, जब फूड पर सेलीवा डालता है तो हाउस फ्लाई। डाइजेशन एब्सॉर्प्शन मेनली होता है यहाँ पर टेक प्लेस इन मिडगट, डाइजेशन ऑप्शन मिडगट में होता है। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल
ट्रेकियल ट्रंक, ट्रांसवर्स कनेक्टिव टिश्यू, टेन पेयर्स स्पाइकल्स हो सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन हाउस लाइक, तो यहाँ पर टेन पेयर स्पाइकल्स एंड ट्रेकिया स्पाइकल्स यहाँ पर होगा। रेस्पिरेटरी पूछ सकता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन हाउस लाइक, तो टेन पेयर स्पाइकल्स हो गए यहाँ पर, टेन पेयर स्पाइकल्स एंड लॉन्गिट्यूडल ट्रेकिया एंड लॉन्गिट्यूडल ट्रेकिया। और नाइट्रोजन बेस्ड जो है हाउस फ्लाई में यूरिक एसिड होता है, कि हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, इंसेक्ट बर्ड एंड रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड होता है। हीमोलिम्फो एनिमल या किसी इंसेक्ट के ब्लड को कहते हैं, जो कि पोर मालिपोगियन ट्यूबल्स होती हैं, जो कि पोर होती हैं रेक्टम में स्पेल्ड एक्टेरा, और जो कि यहाँ पर जो मालिपोगियन ट्यूबल हैं एस्केटी मटेरियल को एस्केट करती हैं, जो कि बेंटल नर्व कार्ड है, नर्व गंगलिया में बेंटल नर्व कार्ड पाया जाता है, जिसे यहाँ पर कई गंगलिया से पाई जाती हैं, थोराइक एंड एब्डोमिनल गंगलिया होती हैं। हिस्ट्री यहाँ पर मस्का की सेक्स आर सेपरेट होते हैं। लाइफ हिस्ट्री में यहाँ पर यानी लाइफ साइकिल में मस्का में क्या होता है, सेक्स यानी डाइसियस होते हैं एनिमल, सेक्स सेपरेट होते हैं यानी डाइसियस होते हैं, यानी सेक्सुअल होते हैं यूनिसेक्सुअल, और जो कि फीमेल और मेल में क्या होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है मेल से। कॉपुलेशन फ्लाइज ब्रीडिंग डूरिंग ब्रीडिंग स्प्राइंग इन समर जून अक्टूबर व्हेन दे बिकम वेरी एक्टिव, ग्रेटेस्ट ब्रीडिंग एक्टिविटी इन वार्म्थ मंथ अगस्त सितंबर फ्रेम, तो यहाँ पर जून और अक्टूबर है इसका ब्रीडिंग सीजन, और यहाँ पर अगस्त और सितंबर में पेयरिंग यहाँ पर करती है, मेटिंग करती है, एंड मेल फीमेल टेक प्लेस ग्राउंड वैन एट द रेस्ट लाइट फॉर फ्यू मिनट्स, मेल फ्लाइट अलाइट ऑन द बैक ऑफ द फीमेल विच इंसर्ट द ओविपोस्टर इनटू द जेनिटल आर्टरी, और मेल रिसीव द स्पर्मेटोजोआ जो ओविपोस्टर 6 to 8 डे आफ्टर द कॉपुलेशन, फीमेल फ्लाई स्टार्ट एंड लाइंग फर्टिलाइज डे ऑन द एनी काइंड ऑफ द डिस्किंग ऑर्गेनिक मटेरियल। पूछ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है हाउस फ्लाई लाइंग एग ऑन लाइंग एग्स लाइंग फर्टिलाइजेड एग्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एस हॉर्स मैनर कावडंग चिकन मैनर डिकम्पोजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीड्स ग्रासेस ह्यूमन फिशेस एक्सेट्रा, इतनी जगह पर लेंग जो है हाउस फ्लाई लेंग एग लेंग करती है, अंडा देती है। एग्स आर डिपॉजिट इन द क्लस्टर ऑफ ओविपोस्टर, तो एग्स डिपॉजिट होते हैं क्लस्टर में ओविपोस्टर से अबाउट 12 mm बिलो द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिक डेब्रिस वेयर दे गेट प्रोटेक्शन डार्कनेस बार्नेथ एंड मॉइस्चर, तो यहाँ पर जो ओविपोस्टर पर अटैच रहते हैं क्लस्टर पर क्लस्टर में, जिससे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है, डार्कनेस होती है वहाँ पर, बार्न होता है और मॉइस्चर भी मिलती है, डेवलप मॉइस्चर एंड टू डेवलप और इसके बाद डेवलप होती है। ईच फीमेल ले एग, तो एक बार में एक फुल लाइफ साइकिल इन ईच फीमेल ऑफ हाउस फ्लाई लाइंग एग अबाउट 5 to 500 एग टू इन द बेंच ऑफ द ईच ऑफ द 100 to 150 एग्स इन द वन सीजन, तो एक से सबसे 125 एग जो यहाँ पर एक सीजन में देती है, और यहाँ पर 500 से 600 एग इन 5 to 6 बैच, 5 से 6 बार में देती है यहाँ पर, 500 से 600 एग एग देती है यहाँ पर 5-6 बार में, और जो कि यहाँ पर सबसे और 125 इन वन सीजन एक सीजन में। क्वेश्चन बन सकता है हाउ मैनी लाइंग एग हाउस फ्लाई इन होप लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर होगा 500 to 600। तो हाउ मैनी बैच पूछ सकता है, हाउ मैनी बैच एग आप हाउस फ्लाई इन वन सीजन, तो 6 बैच इन ईच 6 इन 6 पूछ सकता है हाउस फ्लाई हाउ मैनी बैचेस लेंगे, 5 to 6 बैचेस इन 100 to 150 एग्स इन वन सीजन। डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंट यहाँ पर इसका डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वा एक्टेट पाई जाती है, और
इसमें यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। कंप्लीट मीन्स होता है एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो फिर फोर स्टेज पाई जाती है। एग आता है स्मॉल, नियरली वाइट एंड एलोंगेटेड स्लाइटली देन द एज एग अबाउट। यहाँ पर जो खाची है वो पड़ेगी रिब लाइक कर्व्ड थिकनेड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अपॉन लार्वी बिकम फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल स्पिल्ट डॉर्सल ऑफ एग्स। लार्वा है इसका पूछ सकता है, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैंगट लार्वा या फिर केंचेंटी लार्वा। क्वेश्चन बन सकता है लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज मैंगट लार्वा और मैंगा ऑफ लार्वा मस्क्यूटो विरंगलर। तो मैंगा जो है लार्वा है मस्क्यूटो का, विरंगलर है हाउस फ्लाई का लार्वा पूछ सकता है। हाउस लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई मैंगट मैंगट या फिर जेंटल। While the growing of the larva molt choice in including three stage या फिर instar। क्वेश्चन ये भी बन सकता है हाउ मनी टाइम मॉल्ट लार्वा आप हाउस फ्लाई दैट बिकम instar। तो थ्री मॉल्टिंग होती है यहाँ पर, तो इन स्टार में बदलता है लार्वा। फर्स्ट इन स्टार कहाँ होता है पूछता है, फन स्टार में क्या होता है इनफन फर्स्ट इन स्टार लार्वा। तो फन स्टार लार्वा सॉफ्ट और बाइट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है और लिम्बलेस होता है। फर्स्ट इन स्टार लार्वा है लिम्बलेस क्रिएचर, इज लिम्बलेस क्रिएचर टेपरिंग एंटीरियरली बॉडी और टेपर की तरह यहाँ पर होती है चपटी एंटीरियर बॉडी। बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय द काइटिनाउस क्यूटिकल। पूछ सकता है कि जो बॉडी है बॉडी की कवरिंग होती है लार्वा की किस तरीके होती है, काइटिनाउस काइटिनाउस क्यूटिकल होती है। मैनी सेगमेंट लार्वा फाउंड इन होल लार्वा इज फाउंड मैनी सेगमेंट लार्वा है मैनी सेगमेंट इन होल बॉडी 30 सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 30 सेगमेंट। पूछ सकता है हाउ मैनी सेगमेंट लार्वा प्रेजेंट इन मैंगट ऑफ द हाउस फ्लाई 30 सेगमेंट। फर्स्ट स्पेलिंग सेगमेंट फर्स्ट और स्पेलिंग सेगमेंट फर्स्ट या फिर स्पेलिंग सेगमेंट होता है किस तरीके होता है यहाँ पर लाइफ साइकिल फर्स्ट या स्पेलिंग सेगमेंट किस तरीके का होता है। विच कैन बी ड्राउन इन टू द सेकेंड कॉल द सीडो फेलान। फर्स्ट या फिर स्पेलिंग सेगमेंट है जिसे यहाँ पर सीडो सेफेलन भी कहते हैं। इट कैरीज वेंट्रल माउथ, इसमें वेंट्रल माउथ कहते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में वेंट्रल माउथ पाया जाता है। इट इज राउंड बाय द डोर्सली टू ओरल लब्स, यहाँ पर इट इज सराउंडेड बाय द डोर्सली टू ओरल लब्स एंटरली बाय द काइटिनाउस ब्लैक। डोर्सली यहाँ पर ओरल लब्स पाए जाते हैं और एंटरली जो है काइटिनाउस ब्लैक या फिर हुक लाइक मैंडिबुलर स्केलेट पाई जाती है। सिफेलो और फर्स्ट सेगमेंट या सिफेलॉन फर्स्ट सेगमेंट या सिपेलन होता है जिसमें यहाँ पर डॉर्सल में ओरल लब्स पाए जाते हैं जिससे सीडोटोकिया या फिर लेबियम बनती है ओरल लब्स से। और वेंट्रल में क्या होता है एंटीरियर में यहाँ पर काइटिनाउस ब्लैक एंड हुक लाइक मैंडिबुलर स्केलेट पाई जाती है एंटीरियर। पूछ सकता है जो काइटिनाउस स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, हुक लाइक काइटिनाउस स्ट्रक्चर पाया जाता है एंटीरियर साइड पर जो कि स्केलेट बनाती है स्केलेट। पूछ सकता है कि ब्लैक एंड हुक लाइक मैंडिबुलर फाउंड ऑन, तो यहाँ पर एंटीरी एंटीरियर साइड पर सराउंडेड बाई, तो जो वेंट्रली माउथ है वो सराउंडेड बाई टू ओरल लब्स जो कि सीडो ट्रिकिया बनाते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं टू ओरल वेंट्रल माउथ सराउंडेड बाई टू ओरल लब एंटीरली बाई दैट काइटिनाउस काइटिनाउस टू ओरल लब्स होते हैं एंटीरियर काइटिनाउस टू ओरल लब टू काइटिनाउस ओरल लब्स ब्लैक एंड हुक लाइक मैंडिबुलर। जो ओरल लब्स हैं ब्लैक और मैंडिबुलर होते हैं हुक लाइक एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है ओरल लब टू ओरल लब्स टू ओरल लब फाउंड ऑन, तो फाउंड ऑन एंटीरियर साइड पर और ये वहाँ पर ओरल लब बने होते हैं। पूछ सकता है ओरल लब इज मेड बाई फाउंड बाई काइटिनाउस ब्लैक एंड हुक लाइक एंड मैंडिबुलर स्केट। ओरल लब्स बने होते हैं किसके होने होते हैं मैंडिबुलर स्केट ब्लैक एंड हुक लाइक टेक्चर। पूछ सकता है ओरल लब हेल्प इन, तो ओरल लब जो है वो हेल्प किसमें करते हैं
विच हेल्प इन द लोकोमोशन एंड टेयरिंग ऑफ कोड। और लब्स हैं जो कि सीडियो ट्रकिया बनाते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं। ओरल लब्स आर मैंडिबुलर स्क्लेट। ओरल लब्स या फिर मैंडिबुलर स्क्लेट हेल्प इन लोकोमोशन एंड टेपरिंग। और क्वेश्चन ये बन सकता है, जो मैंडिबुलर स्क्लेट है जो फाउंड होती है अराउंड द ओरल लब्स, टू ओरल लब्स दैट विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड टेयरिंग ऑफ द फूड, फूड को तोड़ने में, लोकोमोशन में काम करती है ओरल लब की मैंडिबुलर स्क्लेट। ओरल लब एंड मैंडिबुलर स्क्लेट बेंटल सरफेस है, ओरल लब्स इज ट्रांसमिट बाई नंबर ऑफ चैनल्स। बेंटल सरफेस है वो यहाँ पर ट्रांसमिट बाई नंबर ऑफ फूड चैनल्स। बेयर्स डोर्सली पेयर ऑफ कॉनिकल सेंसरी टर्मिनेट ऑफ ऑप्टिक ट्यूबरकल्स। पूछ सकता है क्वेश्चन था बेंटल सरफेस ऑफ ओरल लब्स ट्रांसवर्ट बाई, तो ट्रांसवर्ट यहाँ पर क्या करती है, बेंटल सरफेस होती है ओरल लब की, वो ट्रांसवर्ट करती है किसके द्वारा, नंबर ऑफ फूड चैनल्स, नंबर ऑफ फूड चैनल जो कि बनाती है सीडो टोकिया। यहाँ पर इस तरह से सीडो टोकिया होती है जिसमें यहाँ पर नंबर ऑफ फूड चैनल्स पाए जाते हैं इस तरह से, तो वो यहाँ पर ट्रांसवर्ट जो नंबर ऑफ फूड चैनल्स होते हैं ट्रांसवर्ट होते हैं, ट्रांसवर्ज लॉब्स होते हैं वो ट्रांसवर्ज बाय द फूड चैनल्स, यहाँ पर फूड चैनल्स होते हैं। इस तरह से सूर्य ट्रकिया बनी होती है सेब के बीज की तरह इस तरह से, जिसमें ये ट्रांसवर्ज पाए जाते हैं लॉब्स ऑफ फूड चैनल्स, और जो कि डोर्सल पर पाए जाते हैं कॉनिकल होते हैं जो कि सेंसरी टर्मिनल ऑप्टिक, इन्हें यहाँ पर ट्रांसवर्ज जो ट्रांसवर्ज चैनल्स होते हैं फूड चैनल्स, ट्रांसवर्ट फूड चैनल को कहते हैं ऑप्टिक ट्यूबरकल्स। जो ट्रांसवर्ज यहाँ पर नंबर ऑफ फूड चैनल होते हैं जिसमें यहाँ पर पाया जाता है कॉनिकल सेंसरी ऑर्गन में पाए जाते हैं जिसे कहते हैं ट्यूबर ऑप्टिक ट्यूबरकल्स। लास्ट ट्रंक जो पाई जाती है 13 सेगमेंट पर पाई जाती है, बेयर मिड डॉर्सली पेयर ऑफ द डी शेप्ड पोस्टीरियर स्पाइकल्स। क्वेश्चन ये लगता है कि पोस्टीरियर स्पाइकल फाउंड इन, तो पोस्टीरियर स्पाइकल फाउंड इन 13 सेगमेंट मिड डॉर्सली, तो यहाँ पर जो पूछ सकता है कि स्पाइकल्स पोस्टीरियर स्पाइकल्स या स्पाइकल इन फाउंड इन हाउस फ्लाई एट मिड डॉर्सल ए पेयर ऑफ डी शेप्ड पोस्टीरियर स्पाइकल्स। डी शेप्ड होते हैं पोस्टीरियर स्पाइकल्स एट द मिड डॉर्सल 13 सेगमेंट। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो स्पाइकल्स जो हैं हाउस फ्लाई में कहाँ पाए जाते हैं, तो वे 13 सेगमेंट एट 13 सेगमेंट मिड डॉर्सली और वन पेयर डी शेप्ड पोस्टीरियर स्पाइकल्स। और यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है पोस्टीरियर स्पाइकल्स ऑफ हाउस फ्लाई फाउंड इन, तो पोस्टीरियर स्पाइकल ऑफ हाउस फ्लाई फाउंड इन डी शेप्ड ए पेयर डी शेप्ड 13 सेगमेंट बेयर विद डॉर्सली ए स्पाइकल्स। ये भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो स्पाइकल इन हाउस फ्लाई फाउंड इन, तो यहाँ पर होगा पोस्टीरियर मिड डॉर्सली और डी शेप्ड और 13 सेगमेंट। यहाँ पर बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है एग्जामिनर, बन सकता है कैसे भी क्वेश्चन, तो हर तरीके से मालूम होना चाहिए। बिच द एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जो यहाँ पर ट्रेकिया होती है सीडो ट्रेकिया, उसकी ओपनिंग होती है स्पाइकल करता है ओपनिंग। 13 सेगमेंट बेयर ए डी शेप्ड मिड डॉर्सली पेयर ए पेयर डी शेप्ड पोस्टीरियर स्पाइकल दैट इज एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, जो कि यहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ट्रेकिया की। भी बन सकता है कि जो ट्रेकिया है वो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया बाई एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ट्रेकिया बॉडी बाई पोस्टीरियर
क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी बन सकता है कि वो ट्रेकिया है, ट्रेकिया हाउथ फ्लाई ओपन बाई एक्सटर्नली, ट्रेकिया हाउथ फ्लाई, ट्रेकिया हाउथ फ्लाई एक्सटर्नली ओपनिंग बाई, ओपनिंग बाई 13 सेगमेंट, ओपनिंग बाई 13 सेगमेंट डी शेप्ड पोस्टीरियर स्पाइकल्स, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ट्रेकिया हाउथ फ्लाई ओपन बाई ए पेयर डी शेप्ड पोस्टीरियर स्पाइकल्स एट मिड डोर्सल, ऐसे भी बन सकता है जो है पोस्टीरियर स्पाइकल्स ऑफ हाउथ फ्लाई एक्सटर्नली ओपन बाई, जो यहाँ पर हाउथ फ्लाई टेकिया हाउथ फ्लाई, टेकिया ऑफ हाउथ फ्लाई ओपनड बाई एक्सटर्नली, टेकिया हाउथ फ्लाई एक्सटर्नली ओपन बाई एट यहाँ पर ओपन बाई पोस्टीरियर स्पाइकल्स ए पेयर्ड ऑफ डी शेप्ड, ए पेयर्ड ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोल सकता है यहाँ पर पोस्टीरियर स्पाइकल्स या फिर स्पाइकल्स ऑफ हाउथ फ्लाई ओपन एक्सटर्नली बाई 13 सेगमेंट मिड डोर्सली ए पेयर ऑफ डी शेप्ड पोस्टीरियर स्पाइकल्स। एनस इज द लोकेटेड वेंट्रली एंड सेगमेंटेड बाय टू प्रोमिनेंट लोकोमोटिव एनल लोब्स ऑन द एंटीरियर लोब्स ऑफ 6 to 12। वो ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि एनल जो है एनस कहाँ पर पाया जाता है, वेंट्रली पाया जाता है, वेंट्रली लार्ज टू सेगमेंट, जो कि यहाँ पर लार्ज टू सेगमेंट 6 to 11 होते हैं, 6 to 12 तो सेगमेंट ट्रंक सेगमेंट होते हैं, लार्ज टू सेगमेंट में पाया जाता है एनस। लार्ज टू सेगमेंट बिटवीन लार्ज सेगमेंट बिटवीन प्रोमिनेंट एंड लोकोमोटरी एनल, एनल लब के बीच में पाया जाता है एनस। कौन कौन से यहाँ पर प्रोमिनेंट एंड लोकोमोटरी, प्रोमिनेंट एंड लोकोमोटरी एनल के एनल प्रोमिनेंट एंड लोकोमोटरी एनल के बीच में पाया जाता है एनस। ऑन द एंटीरियर पार्ट पर पाया जाता है वो एंटीरियर वेंट्रल द बॉर्डर ईच 6 to, यहाँ पर एंटीरियर वेंट्रल बॉर्डर ईच 6 to 12 सेगमेंट ऑफ ट्रंक, ट्रंक सेगमेंट होते हैं एंटीरियर के 6 से 12 से सेगमेंट होते हैं वो यहाँ पर ट्रंक सेगमेंट बोले जाते हैं। पूछ सकता है ट्रंक सेगमेंट इन हाउथ फ्लाई इज, तो फाउंड ऑन 6 to 12। सिमिलर सेमिनल पैड इज बेस्ट माइनर स्टिप स्पाइंस, सिमिनल पैड आर द लोकोमोटरी ऑर्गन हेल्प इन द लार्वा मूविंग बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो यहाँ पर पूछ सकता कोई क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो स्पिनाउस पैड्स, स्पिनाउस पैड इन फाउंड इन एंड फंक्शन फाउंड इन लार्वा हेल्प इन लोकोमोटरी। क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है, एक यहाँ पर ये हो सकता है स्पिन आउट पैड फाउंड इन स्पिन आउट पैड किस में पाया जाता है लार्वा में, दूसरी पूछ सकता है कि स्पिन आउट पैड फाउंड इन लार्वा हेल्प इन लोकोमोटरी ऑर्गन एंड हेल्प इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक स्पिन आउट पैड फाउंड इन तो लार्वा में और स्पिन आउट पैड फंक्शन इन लार्वा लोकोमोटरी लोकोमोशन एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। फर्स्ट इन स्टार वेरी एक्टिव एंड फीडिंग एग्रेसिवली डिकम्पोजिंग लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर सो दैट इट रैपिडली ग्रो इन साइज, तो पूछ सकता है फर्स्ट इन स्टार लार्वा इज, तो यहाँ पर होगा वेरी एक्टिव एंड बैकाउस डिकम्पोजिंग लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर सो दैट दे रैपिडली ग्रो इन द साइज, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट इंस्टा लार्वा है उसका नेचर किस तरीका से एक्टिव होता है, बोरेसिलियोस होता है, डिकम्पोजिंग करता है लिक्विड फूड लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर सो दैट द रैपिडली ग्रो इन द साइज, जिससे यहाँ पर ये जल्दी से बढ़ जाता है। सेकेंड इंस्टा लार्वा क्या होता है, सेकेंड इंस्टा लार्वा अंडरगोज द फर्स्ट मॉल्टिंग एंड डिकम्पोज द सेकेंड इंस्टा लार्वा इट ऑल्सो डेवलप ए पेयर फैन शेप्ड एंटीरियर स्पाइकल्स, सेकेंड पूछ सकता है क्वेश्चन सेकेंड इंस्टा लार्वा हैज एंटीरियर स्पाइकल्स, सेकेंड इंस्टा लार्वा एंटीरियर स्पाइकल पाए जाते हैं, फर्स्ट में क्या होता है एक्टिव होता है फूड मतलब फूड
वजन करने के लिए एक्टिव होता है, सेकेंडरी का होता है, सेकेंडरी टलर में स्पाइकर्स पाए जाते हैं एंटीरियर साइड पर, एंटीरियर एंड डोर्सल दोनों पर। सेकेंड लार्वा जो है, सेकेंड जो इंस्टा लार्वा है उसमें यहाँ पर एक दिन के बाद क्या करता है, ये लार्वा अंडरगो द फर्स्ट मॉल्टिंग। फर्स्ट मॉल्टिंग होने के बाद यहाँ पर ये सेकेंड लार्वा डल जाता है और यहाँ पर ए पेयर यहाँ पर फ्रेंड सेट एंटीरियर स्पाइकल पाए जाते हैं, डोर्सली अपन द डोर्सल पाए जाते हैं, फ्रेंड सेट एंटीरियर स्पाइकल्स डोर्सली अपन द थर्ड सेकेंड। तो यहाँ पर जो सेकेंड इंस्टा लार्वा है उसमें क्या पाया जाता है, एंटीरियर स्पाइकल, और पूछ सकता है एंटीरियर स्पाइकल किस सेगमेंट में पाया जाता है। सेकेंड इंस्टा लार्वा हाउस फ्लाई हैज एंटीरियर स्पाइकल ऑन पूछ सकता है ऑन थर्ड सेगमेंट। डॉसली होता है और थर्ड सेगमेंट पाया जाता है। थर्ड इंस्टा लार्वा डे अप टू एक दिन के या दो दिन के बाद अंडरगो सेकेंड मॉल्टिंग एंड बीकम द थर्ड इंस्टा लार्वा बीच अंडरगो थ्री टू फाइव डेज फुल ग्राउन इन लार्वा मेजर यहाँ पर एट टू ट्वेल्व लेंथ इन हुक क्रीमी बाइट एंड ऑर्डर अवॉइड कलर एंड अवॉइड लाइट एंड ग्रेटली अफेक्टेड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड फूड। तो जो थर्ड इंस्टा लार्वा है वो दो या तीन दिन के बाद जो है फुल ग्राउन हो जाता है, इसकी लंबाई 8 से 12 एमएम होती है, इट लेंथ और लेंथ एंड हुक क्रीमी होते हैं, इसके लेंथ और हुक क्रीमी होती है कलर में, और इट अवॉइड यहाँ पर बचाव करता है किससे, लाइट से और ग्रेटली इफेक्टेड लाइट ग्रेटली इफेक्टेड एंड ह्यूमिडिटी ज़्यादा नमी से और लाइट से, और इसे टेम्परेचर एंड फूड लाइट टेम्परेचर एंड फूड से यहाँ पर यह बचाव करता है। इट नाउ ट्रांसफर इनटू इट सेल्फ और डिफ्यूज इट शेप्ड प्यूपा, अब यहाँ पर ये अपने आप प्यूपा में ट्रांसफर हो जाता है। प्यूपा यहाँ पर क्या होता है, प्यूपा एक प्यूपा बिफोर द ट्रांसफरिंग द प्यूपा स्टेज, फिलहाल लाइफ साइकिल देख लेने के बाद प्यूपा देखेंगे, उसका लाइफ साइकिल जो स्ट्रक्चर है वो देख लें पहले, उसके बाद प्यूपा पढ़ेंगे। एग है, इसके बाद लार्वा, एग लार्वा ये प्यूपा है और एडल्ट है। ये स्पाइकल्स है, पोस्टीरियर स्पाइकल्स, ये एंटीरियर स्पाइकल्स है, टू स्पाइकल पाई जाती है, एंटीरियर पर थर्ड सेगमेंट पाई जाती है, और पोस्टीरियर कहाँ पर पाई जाती है, पोस्टीरियर पर पाई जाती है यहाँ पर 11-12-13 सेगमेंट पर, पोस्टीरियर स्पाइकल 13 सेगमेंट पाई जाती है, एंटीरियर स्पाइकल थर्ड सेगमेंट पाई जाती है। क्वेश्चन ये बन सकता है, एंटीरियर स्पाइकल कौन से सेगमेंट पाई जाती है, थर्ड सेगमेंट पर, और पोस्टीरियर स्पाइकल कौन से सेगमेंट पाई जाती है, 13 सेगमेंट पर, जो कि डी शेप होती है। यहाँ पर इसमें भी स्पाइकल्स है और सारे एंटीना उन सब डेवलप होते हैं ये लार। अब प्यूपा में और पीपा पर थे हम फिलहाल, चलो ये कोरियोनिक एक पूछता है, एक आप हाउस फ्लाई तो कोरियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें एक में। बिफोर ट्रांसफरिंग टू द प्यूपल स्टेज लार्वा जो बी सीक द ड्राइड एरिया, प्यूपल में यहाँ पर सूखा स्थान ढूंढता है ब्रीडिंग के बाद, ऑफ द ब्रीडिंग एरिया एंड ब्रीडिंग मटेरियल बॉडी लार्वा थ्राइवल एंड द इंटीरियर सेगमेंट विद्रॉन सो दैट द बीकम सिलेंड्रिकल अवॉइड बोथ एंड इनेबल राउंड दोनों साइड पर राउंड हो जाता है। लार्वा स्किन बीकम द डार्क ब्राउन फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द प्यूपा केज, तो यहाँ पर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ लार्वा प्यूपा हाउस फ्लाई इज कॉल्ड प्यूपल केज, ये भी पूछ सकता है प्यूपल केज या फिर पेपेरियम। प्यूपा हैज नो माउथ नो एनस एंड इट रेस्पायर थ्रू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइकल्स, तो यहाँ पर पूछ सकता क्वेश्चन बन सकता है प्यूपा ऑफ हाउस फ्लाई हैज नो माउथ एनस एंड माउथ एंड एनस दोनों चीज़ नहीं पाई जाती इसमें, हैज नो माउथ एंड एनस एंड इट रेस्पायर बाई पोस्टीरियर एंड एंटीरियर स्पाइकल्स।
Externally, the motion layer pupa look inactive internally, but rapid breakdown of process called the hydrolysis. जो यहाँ पर externally motionless होता है pupa, मगर यहाँ पर locus inactive, यहाँ पर inactive दिखाई देता है internally, but rapid and breakdown process इसे कहते हैं hydrolysis take place the phagocytic द्वारा इसकी प्रोसेस होती है हिस्टोलाइसिस ब्रेक डाउन द मोस्ट ऑफ द लार्वल टिश्यू इनटू द क्रीमी मास. तो लार्वा के टिश्यू को तोड़ने को कहते हैं हिस्टोलाइसिस. तो फैगोसाइटिस या हिस्टोलाइसिस जो है फाउंड इन तो कौन सकता है हाउसफ्लाई लार्वा, हाउसफ्लाई प्यूपा, हिस्टोलाइसिस एंड फैगोसाइटिस डन ड्यूरिंग या ड्यूरिंग ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द मोस्ट लार्वल टिश्यूज इंटू द क्रीमी मास. क्रिएटाइन ग्रुप ऑफ द सेल्स कॉल्ड द इमेजिनल डिस्क. जो क्रिएटाइन डिस्क या बर्ड्स होती हैं उसे क्रेडियल इमेजिनल डिस्क या बर्ड्स कहते हैं. नाउ फीड अपॉन द इनी मेटल क्रीम एंड प्रोड्यूस ऑर्गन ऑफ अडल्ट. यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लार्वा प्यूपा हाउस फ्लाई है वो यहाँ पर क्या ईट करता है, फीड किस पर करता है, फीड अपॉन. तो इसे यहाँ पर सर्टाइन ग्रुप सेल्स होती हैं उसकी इमेजिन या डिस्क बर्ड, इमेजिन डिस्क या बर्ड कहते हैं. क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्टाइन ग्रुप्स ऑफ सेल्स आप प्यूपा इज कॉल्ड इमेजिन सेल्स या फिर बर्ड्स. दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है प्यूपा ऑफ हाउस फ्लाई फीड अपॉन एलिमेंटल क्रीम एंड प्रोड्यूस ऑर्गन्स, एलिमेंटल फीड अपॉन एलिमेंटल क्रीम एंड प्रोड्यूस ऑर्गन एंड पर प्रोड्यूस ऑर्गन करता है जिससे अडल्ट में बदल जाता है. दिस रीबोल्डिंग प्रोसेस नाउन एज हिप्टोजेनेसिस. यहाँ पर इससे फिर से ऑर्गन बनने की प्रोसेस कहते तो हिप्टोजेनेसिस बीच कंप्लीट इन 4 से 5 दिन में, जो कि 4 से 5 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. फेवरेबल कंडीशन बट सेवरल मंथ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. फेवरल मंथ यहाँ पर 4 से 5 दिन में लगते हैं, मगर जब सीजन ठंड की हो तो यहाँ पर 4 सेवरल मंथ लग जाते हैं, कई महीना इन डोरिंग कोल्ड सीजन ठंडों के समय. अब यहाँ पर यहीं तक रखेंगे हम MCQ और इसके बाद यहाँ पर दूसरा पार्ट आएगा अडल्ट से. तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद. राधे राधे. डोंट वरी बी हैप्पी.